नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दीपक वर्मा, स्वागत है आपका स्केचअप ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज हम बात करेंगे कैसे एक सिंपल सा होम मॉडल आप बना सकते हो। जितने भी टूल्स अभी तक मैंने आपको सिखाए हैं, उनकी हेल्प से अगर आपको सिंपल सा मॉडल आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फिट इंचेस, मैंने यहाँ पे डायमेंशन सेट की है और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और उसको यहाँ पे डायमेंशन डाल देता हूँ। मैं डायमेंशन यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ मेजरमेंट, और इन मेजरमेंट को मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको दिखता रहे यहाँ पे कि क्या मेजरमेंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मेजरमेंट मैंने लिया 20 फिट कॉमा 10 फिट का, मैंने यहाँ पे, या फिर 10 फिट कॉमा 20 फिट का मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड 10 फिट पे मैंने इसे एक्सट्रूड किया। एक सिंपल सा मॉडल हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, तो उससे इसी मॉडल में हम आगे चल के फिर मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने मिड पॉइंट से मैं एक लाइन लगाता हूँ और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ कोई अराउंड 10 फिट, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से मिड पॉइंट से लेके, और यहां से मैं स्नैप कर सकता हूँ। यहां से मैंने लिया, मेरे को इससे मिड तक चाहिए तो मैं यहाँ से स्नैप करूंगा तो वो मेरा स्नैपिंग टूल चलेगा साथ में, तो आप इसे क्लिक करके यहाँ से मिड टू मिड को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ और इसको फिर इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। क्लियर। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ इस एज को, मैं सिलेक्ट करता हूँ इस एज को, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से मूव, और मूव मैं करता हूँ ऊपर की तरफ, मैं कर लेता हूँ कोई अराउंड 4 फिट के अराउंड में इसे मूव कर लेता हूँ। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसको मूव किया, तो हम एक डिजाइनिंग यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डोर लगाना चाहता हूँ। डोर के लिए मैंने यहाँ से मेजरिंग टेप लिया और यहाँ से मैंने 7 फिट की हाइट पे एक मेजरिंग टेप लगाई, और यहां से मैं बीच में 3 फिट का डोर देना चाहता हूँ तो मेरा स्पेस बच जाएगा। 10 फिट माइनस 3 फिट इज इक्वल टू 7 फिट, तो 3.5 आपका यहाँ पे बचेगा, 3 फिट 6 इंचेस इधर बचेगा, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3 फिट, इससे मैं ले लेता हूँ 3 फिट, ये मेरा डोर का स्पेस आया। एक मैं यहाँ पे विंडो बनाना चाहता हूँ तो मैंने सील हाइट लिया 3 फिट, और उसके बाद मैं हेड हाइट लेता हूँ 7, और यहाँ से 4 फिट। क्लियर है, यहां से मैं एक छोटी विंडो चाहता हूँ, 4 बाई 4 की विंडो, तो स्पेस बचेगा 6 फिट, तो 3 फिट इधर से ऑफसेट, और फिर एक 4 फिट का मैं मेजरिंग टेप से इधर से, और सेम यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ विंडो, और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया, और उसके बाद इसको मेजर करके मैं लेता हूँ 4 फिट पे। मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ 6 फिट की विंडो, तो यहाँ पे 2 फिट मैं यहाँ से छोड़ता हूँ और 2 फिट मैं यहां से छोड़ता हूं, कुछ ऐसे। क्लियर। अब क्या करना है, रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल आप यहां पे क्रिएट करो, उसके बाद एक रेक्टेंगल यहां पे क्रिएट करो फॉर दिस विंडो, एक रेक्टेंगल यहां पे क्रिएट करेंगे हम फॉर दिस विंडो। क्लियर है, ये मेरी विंडो बन गई। अब मेरे को ये रेफरेंस लाइन को हटाना है, हटाने के लिए या तो आप इरेजर लें और इस पे ऐसे ड्रैग करते हुए चले या अपने आप ही इरेज हो जाएगी, या फिर सिंगल वन बाय वन कर सकते हो, या फिर एडिट पे जाएं, यहाँ पे है डिलीट गाइड्स, डिलीट गाइड्स को हटा दो तो आपके सारे गाइड्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है, ये मैंने लिया यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ यहाँ से, डोर की फ्रेम थिकनेस में लेता हूँ यहाँ से। अब देखो, अगर मैं बाहर की तरफ ले रहा हूँ, मान लो मैं जितना भी लेता हूँ तो नीचे ये वाला स्पेस आ रहा है, या तो मेरे को बाद में इसको डिलीट करना पड़ेगा, या फिर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑप्शन लो, तीनों को सिलेक्ट करो यहां से, कुछ ऐसे। अब आप यहां से ऑफसेट लो यहां से बाहर की तरफ, कितना लेना है, मान लो मेरे को चाहिए यहां से 2 इंचेस, तो मैंने 2 इंचेस का यहां से ऑफसेट लिया, या आप ज्यादा भी ले सकते हो। इसको लेने के बाद मैंने यहां से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मैं निकालता हूँ, लाइक 1 इंचेस या 2 इंचेस, तो मैंने थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकाला फ्रेम को, और थोड़ा सा इसको मैं 2 इंचेस अंदर की तरफ करता हूँ ताकि कुछ इस तरीके से आ जाए,
या फिर मैं इसको थोड़ा सा A1 इंच और निकाल देता हूँ, 2 इंचेस के अराउंड मैं इसको बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल देता हूँ, कुछ ऐसे। क्लियर? ये मेरा ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेम है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ, तो मेरा डोर का स्पेस आपका इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा। सेम आप विंडो के लिए कर सकते हो। मान लो मेरे को एक नॉर्मल विंडो ही बनानी है, तो मैं इसके लिए एक ऑफसेट दूंगा बाहर की तरफ। मैंने दिया इसको कोई अराउंड 1 इंच बाहर की तरफ, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 इंच दिया, तो यहाँ पे मैं 2 इंच दे सकता हूँ कुछ ऐसे। 2 इंचेस का मैंने बाहर की तरफ स्पेस दिया और यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला अराउंड 2 इंचेस, और इसको भी 2 इंचेस अंदर की तरफ कर दिया कुछ ऐसे। ये भी मेरा विंडो की तरफ जैसे लग रहा है। यहाँ पे भी मैं सेम करूंगा, मैंने किया 2 इंचेस और उसके बाद प्रेस पुल, इसको बाहर की तरफ प्रेस किया, पुल किया और इसको अंदर की तरफ प्रेस किया, इतना। ओके, 2 इंचेस मैंने अंदर की तरफ प्रेस किया, तो ऐसे एक व्यू बन गया। थोड़ी सी और डिजाइनिंग कर लेते हैं इससे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं एक यहाँ पे चिमनी बनाना चाहता हूँ, तो चिमनी के लिए मैंने यहाँ से एक लाइन ली, हाइट की तरफ मैंने एक लाइन ली, मान लो 2 फिट के अराउंड। उसके बाद इस डायरेक्शन में मैंने ली, मान लो 1 फिट 6 इंचेस अराउंड। और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको नीचे मिलाया, ये मेरा सरफेस बना। इसको मैंने डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके कंपोनेंट बनाया, एंड यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट का नाम रख सकता हूँ। इसको फिर डबल क्लिक किया, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सट्रूड किया अराउंड 1 फिट कुछ ऐसे, और इसको मैंने यहाँ से मूव कर दिया थोड़ा सा इधर की तरफ कुछ ऐसे। तो अब ये ऐसा लगेगा जैसे मेरी चिमनी की तरह मेरा ये वर्क करेगा। क्लियर? उसके बाद और डिजाइनिंग में क्या कर सकता हूँ, हाँ, मैं नीचे कोई एक डिजाइन बनाना चाहता हूँ। नीचे डिजाइन के लिए मैंने क्या किया, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इन एजिस को सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे ऐसे, और एजिस को सिलेक्ट करके अब मैं इसको मूव करूंगा कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ अराउंड 2 फिट, तो मेरा कुछ इस तरीके का डिजाइन हो जाएगा। या तो आप वही आप रेफरेंस लेके लाइन लगा लगा के यहाँ पे कर सकते थे, या फिर इस तरीके से आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, सेम मैं यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। क्लियर? ये स्ट्रेट है ना? हाँ। उसके बाद ये मेरा यहाँ पे एक डिजाइन बना। अब इस डिजाइन को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहां से क्लिक करके, यहां पे इतना एक्सट्रूड। अब ये भी मेरे को उतना एक्सट्रूड करना है, तो अब इसके लिए एक ट्रिक है कि आप इस पर डबल क्लिक करो, जो लास्ट एक्सट्रूड आपने यूज किया था वही एक्सट्रूड आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आपको सिंपली डबल क्लिक करना है और आपका ये उतना ही एक्सट्रूड हो जाएगा जितना आपने वो एक्सट्रूड किया था। कुछ इस तरीके से आपका ये डिजाइन रेडी हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा रूफ में डिजाइन देना चाहता हूँ, तो रूफ के डिजाइनिंग के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से रेफरेंस लेता हूँ, गाइड लेता हूँ, और यहाँ से मैं 4 इंचेस पे एक ये बना देता हूँ। 4 इंचेस पे मैंने ये बनाया। अब लाइन की हेल्प से मैंने इसको इससे ज्वाइन किया कुछ ऐसे, और सेम मैं यहाँ पे बना देता हूँ 4 इंचेस, सेम मैं यहाँ पे 4 इंचेस, और लाइन की हेल्प से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, गाइड्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ से अराउंड 4 इंचेस ही मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो इस तरीके का आपका डिजाइन बन जाएगा। सेम मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये डिजाइन भी आप रख सकते हैं। मान लो आप यहाँ पे भी चाहते हैं यही डिजाइन, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, लाइन ली, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो ऐसे, और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो ऐसे। सेम आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो कुछ ऐसे, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो कुछ ऐसे। क्लियर है? अब इसको भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो डबल क्लिक करके, जितना आपने इसको एक्सट्रूड किया था, पुल कर सकते हो डबल क्लिक करके, तो आपका इस तरीके का डिजाइन आ जाएगा यहाँ पे, अगर आपको ऐसे डिजाइन चाहिए। क्लियर है? और क्या डिजाइनिंग कर सकते हो, वो और आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की इसके अंदर डिजाइन करना चाहते हो, क्या डिजाइन आप इसमें देना चाहते हो,
और डिजाइन अगर आपको करना है तो आप कुछ इस तरीके के भी डिजाइन कर सकते हो कि आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ से और इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हो जितना आपको एक्सट्रूड करना है। कि आपने मान लो 10 फीट एक्सट्रूड करना है तो आप 10 फीट यहाँ से कुछ ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक ये डिजाइन आपका यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे कितना था, 10 फीट था ना जो नीचे से हमने 10 फीट लिया था, तो इस तरीके के डिजाइन भी बना सकते हो। इसको आप यहाँ पे इतना भी रख सकते हो जितना आपका ये है अराउंड दिस। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे है, इसको आप नीचे की तरफ एक्सट्रूड करें जितना यहाँ पे है, उस एज पे क्लिक करें आपको उतना एक्सट्रूड हो जाएगा। इस तरीके का भी डिजाइन आप रेडी कर सकते हो। सेम यहाँ पे कर सकते हो, डबल क्लिक करें उतना एक्सट्रूड हो जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करें उतना एक्सट्रूड हो जाएगा। तो एक ये डिजाइन भी आपका एक रेडी हो जाएगा। ऐसे भी आप एक डिजाइनिंग कर सकते हो। तो जिस भी टाइप की आप यहाँ पे डिजाइनिंग चाहते हो उसी टाइप की आप इसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा बाउंड्री बना लेते हैं। तो बाउंड्री बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रेफरेंस लिया। यहां से मान लो मेरे को चाहिए 4 फीट बाहर, 4 फीट पे एक लाइन ली, और यहां से मेरे को चाहिए, यहां से भी मेरे को 4 फीट बाहर चाहिए, ये भी मैंने लाइन ली। यहां से मेरे को 4 फीट चाहिए, ये भी मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, और ये सामने से मेरे को चाहिए अराउंड 10 फीट, तो मैंने 10 फीट की एक लाइन ली, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस पे ट्रिपल क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसे ग्रुप बना लो, ताकि जो आप रेक्टेंगल अब नीचे बनाओ तो इसमें वो मैश ना हो। तो आपको करना क्या है, एक रेक्टेंगल लो और एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर दो एक बाउंड्री के लिए, क्लियर है। और इस रेक्टेंगल को अब यहां से प्रेस पुल करें नीचे की तरफ। मान लो आपने लिया 4 इंचेस, आपने फ्लोर ले लिया 4 इंचेस का, क्लियर है। थोड़ा सा वहां पे वो मैश कर रहे हैं तो आप इसे क्लिक करें और थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ कर दे। कितना, 0.1 इंच कर दिया मान लो मैंने, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, मेरे को बाउंड्री बनानी है इसकी। तो बाउंड्री बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट लिया। मान लो मैं 4 इंचेस की बाउंड्री बनाना चाहता हूँ, तो मैंने 4 इंचेस की बाउंड्री बनाई। और यहाँ पे मैं एक गेट लगाना चाहता हूँ, मान लो एक गेट लगाना है, और वो गेट मेरे को लगाना है यहाँ से। मैंने एक रेफरेंस लिया कि यहाँ से मैं एक 4 फिट के या 3 फिट के ऑफसेट पे बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 फिट का ऑफसेट पे एक रेफरेंस लिया और एक 8 फिट का मेरे को गेट चाहिए, तो मैंने यहाँ से लाइन ली और मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया। यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया और यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया, क्लियर। ये अच्छे से ज्वाइन नहीं हुआ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। मैं इस रेफरेंस लाइन को डिलीट ही कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक ही रेफरेंस लाइन हो और उसी को वो स्नैप करे। अब यहां से अभी भी नहीं हुआ, सेम ये इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इसको भी यहाँ से लाइन लगाता हूँ। अब अगर सेलेक्ट करता हूँ, 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर से आया है, ये इसको अच्छे से सेलेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा से रेफरेंस लेता हूँ, क्योंकि रेफरेंस था ऊपर और ये मैंने बनाया था, इसको हल्का सा मैंने नीचे किया था। अब मैं रेफरेंस लूंगा यहां से, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना है। यहां से मैंने लिया 8 फिट पे, अब यहाँ पे क्लियरली आपका स्नैप करेगा, यहां से ये स्नैप और यहां से ये स्नैप। अब आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो इतना पोर्शन को आप अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे आप प्रेस पुल कर सकते हैं अराउंड, मान लो मैंने किया अराउंड 4 फिट के अराउंड, आपने इसको ऐसे किया, एक बाउंड्री रेडी की। सामने वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं भारी चाहता हूँ, तो सामने वाला पोर्शन मैं 4 इंच की बजाय चाहता हूँ कोई 1 फिट, तो मैं 8 इंचेस और आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ कुछ ऐसे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक डोर लगाना चाहता हूँ।
क्लियर है? तो ये कुछ आपकी एक बाउंड्री बन गई। अब यहाँ पे मेरे को डोर लगाना है, तो डोर लगाने के लिए आप जाओ विंडो पे और यहाँ पे 3D वेयर हाउस, आप यहाँ से भी आप एक डोर को निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो डोर, तो आपको इतने सारे टाइप्स के डोर मिल जाएंगे। जो भी आपको डोर चाहिए आप उस पे डाउनलोड करें, यस करें, और वो डोर आपका देखो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको करना सिर्फ इतना है, डोर आने के बाद आपको सिंपली इस डोर को यहाँ से पिक करना है, यहाँ पे रखो। आप इसको अंदर से यहां से भी देखो, इसको फ्रेम का साइज भी साथ में आया है। अगर आप फ्रेम ना भी बनाएंगे तो आप इसके थ्रू अपने फ्रेम को यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी फ्रेम था, तो मैं इस फ्रेम के ऊपर इस डोर को लगा देता हूँ कुछ ऐसे। अब डोर है मेरे साइज से छोटा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ मैं स्केल पे, और यहाँ से सेंटर से क्लिक करके मैं इसको स्केल कर देता हूँ यहाँ तक, ताकि वो मेरा कंप्लीटली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्केल मेरा डोर प्लेस हो जाए। तो देखो आपका यहाँ पे डोर आपका लग गया, क्लियर है? इनको हम मटेरियल दे देंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मटेरियल कैसे देते हैं। तो उसके बाद एक डोर मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए भी मैं एक यहाँ से जाऊंगा 3D वेयर हाउस पे, और यहाँ से भी मैं एक डोर को यूज करूंगा। कोई डोर अगर बाहर के लिए अगर मेरे को मिलता है यहाँ पे, काफी सारे टाइप्स के आपके डोर हैं यहाँ पे जिनको आप यूज कर सकते हैं। बहुत से कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको सिंपली सर्च करना है और आपको जैसे भी कंपोनेंट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटर्नल डोर, मान लो ये डोर है, ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये ओपन किया मैंने, ये मेरा डोर आ गया। अब इस डोर में क्या है कि नीचे वाला पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए मान लो, तो डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट, इसको सिलेक्ट करो, और आप इसे फिर प्लेस कर सकते हो कि आप इसे यहां से मूव करो। मान लो मैं यहां से इसको मूव करता हूं इस वाले पॉइंट से पिक करके, और यहां पे मैं इसे प्लेस कर देता हूं कुछ ऐसे। अब ये अच्छे से प्लेस नहीं हुआ है, दोबारा यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस करता हूँ, क्लियर है? तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इस डोर का साइज काफी बड़ा है, हम छोटा कर सकते हैं, स्केल है हमारे पास, आप स्केल करो डोर को और यहाँ से पिक करके आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दो, तो आपका यहाँ पे इतने साइज का डोर बन जाएगा, क्लियर है? आप इसके साइज को मैच भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी इसको एक्सट्रूड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करें तो आप डोर के साइज पे आप यहाँ पे डोर ये बना सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हल्का सा मूव करूँगा और फिर यहाँ से पिक करके यहाँ पे मूव कर दूंगा, ताकि ये अच्छे से प्लेस हो जाए। और यहाँ से देखो, यहाँ से तो मैच हो गया, बट यहाँ से हल्का सा बाहर निकला हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से यूज करेंगे रोटेट, और इसको नीचे की तरफ यहाँ से प्लेस करके और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके, तो हम इसको पीछे की तरफ यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, ताकि ये यहाँ से स्ट्रेट हो जाए, क्लियर है? कुछ इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डोर बड़ा चाहिए तो आप इसे बड़ा कर सकते हैं, आप इसे स्केल कर सकते हैं कि मेरे को हाइट में थोड़ा सा बड़ा चाहिए, कुछ इस तरीके से आप यहाँ से इस चीज को ऐसे बना सकते हैं कि मेरा यहाँ पे डोर आ गया, क्लियर है? ये हटाना है तो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो ये आपकी बाउंड्री हो गई, आपका वॉल बन गई, डोर बन गई, विंडो बन गई, एक सिंपल सी आपने एक बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट की। और भी किसी भी टाइप की डिजाइनिंग अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो आप इजिली यहाँ पे उस टाइप की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा, अगर आपको प्लान बनाना है, आप एक 3D मॉडल बनाना है आपको स्केचअप में, तो आप कैसे उसको बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेम इस पे अगर आपको मटेरियल डालना है तो कैसे आप मटेरियल को इसमें डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ। और थैंक यू सो मच दोस्तों, 50,000 होने ही वाले हैं, प्लीज जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और आपके लिए एक सरप्राइज है। सो वेट करें और वीडियोस देखते रहें।